ड्रॉयर से जब पेपर को ऊपर उठाता है, जब उठाते वक्त अगर पेपर उठ नहीं पा रहा है तो आपका यहाँ पे लाल बत्ती जल उठता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे एक ड्रॉयर से पेपर ना उठने से यहाँ पे लाल बत्ती होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉयर सेट करते हैं, कौन सा ड्रॉयर से लेना है, लेने के बाद इसको फोटोकॉपी करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन में प्रेस किया, देखिए यहाँ पे लाल बत्ती जल उठा और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए जो दिखा रहा है, यहाँ पे ड्रॉयर का भी ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए ड्रॉयर में सिग्नल दे रहा है कि ड्रॉयर का प्रॉब्लम और यहाँ पे ड्रॉयर खोलने का दिखा रहा है और साइड कवर भी दिखा रहा है जहाँ से पेपर जैम होता है। देखिए यहाँ पे लाल बत्ती है और यहाँ पे देखिए पेपर उठने की जगह में पेपर कुछ तक आया था फिर नहीं आ रहा है। ये जो कारण है, इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो ये पेपर को हमेशा अगर अंदर से खींचा जाए तो अंदर से कभी नहीं, इस पेपर को हमेशा ही सामने से निकाल लो और नहीं तो ड्रॉयर के उधर से ड्रॉयर को खोलो तो नीचे से निकल जाएगा। तो देखिए हम और एक बार ट्राई करते हैं, इसको बंद करते, इसको बंद करने से भी लाल बत्ती नहीं जाएगा। तो देखिए इसको हम बंद कर देते हैं, बंद कर दिया, लाल बत्ती अभी तक यहाँ से गया नहीं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है साइड कवर खोलने का, मतलब ड्रॉयर का साइड का जो कवर है खोलने का और ड्रॉयर, तो आपको ये खोलना ही पड़ेगा नहीं तो ये सेंस काम नहीं करेगा। तो इसको फिर ड्रॉयर को हम खोल देते हैं, खोल के फिर हम पेपर को ठीक से लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लगा दिया, लगाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कैंसिल करना चाहते तो यहाँ से कैंसिल भी कर पाएंगे। तो देखिए फिर ट्राई करेगा मशीन पेपर को, देख लीजिए फिर भी जैम हो गया। अब जैम जो हुआ है कुछ अलग जगह पे जैम हुआ है, देखिए अभी साइड कवर खोलने को बोल रहा है और ड्रॉयर को भी खोलने का सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, बोला जा रहा है ड्रॉयर से पेपर बाहर निकाल दिया है लेकिन यहाँ पे साइड कवर में आके जैम हुआ। तो ये जैम होने का कारण क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं, खोल के देख लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। साइड कवर को खोला, खोलने के बाद देखते हैं पेपर कहाँ पे जैम हुआ है, पेपर तो ऊपर उठते वक्त यहाँ पे जैम हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, देखिए इधर बाहर नहीं आया लेकिन यहाँ पे ही पेपर तो आके रुक गया, इसको निकाल दिया, ये ऐसा फोल्ड हो गया यहाँ पे थोड़ा। तो ये कारण क्या है, अभी और एक चीज़ आपको दिखा रहे थे, ये नहीं होगा, बंद कर दिया, आपको साइड कवर बंद कर दिया, फिर ड्रॉयर आपको खोलना ही पड़ेगा नहीं तो ये सिग्नल जाएगा नहीं। जो जो यहाँ ऑप्शन देगा उसको आपको खोलना पड़ेगा और यहाँ पे इसको खोला है फिर भी ये सिग्नल नहीं गया। फिर यहाँ पे ड्रॉयर का भी ऑप्शन है, ड्रॉयर को खोलने के कहा जा रहा है, ड्रॉयर को खोल देने से ये जो लाल बत्ती है बंद हो जाएगा। तो ड्रॉयर को जिस लिए दिखा रहा है प्रॉब्लम कहाँ से हम आपको बताएंगे। देखिए इस ड्रॉयर को खोला, खोलने के बाद कुछ नहीं किया, फिर ड्रॉयर को मैंने पुश कर दिया तो देखिए लाल बत्ती यहाँ से चला जाएगा, अगर नहीं जाता है तो फिर साइड कवर भी खोलना होगा, मतलब साइड कवर बोला जा रहा है ठीक से नहीं, क्लीन नहीं किया गया। तो और एक बार साइड कवर भी खोल देते हैं, खोलने के बाद अच्छी तरह खोल के फिर लगा दो,
फिर भी नहीं जा रहा है। फिर इस कवर को खोल के लगाया, देखिए उस कवर खोल के लगाया तो हो चुका, मैंने इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। और एक जो आपको दिखाने वाला है, तो देखिए पेपर जैम नहीं होगा। हम अगर एक नंबर से देते हैं, इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद हम कॉपी में स्टार्ट किया, तो देखिए अब जैम नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली निकल गया। फिर दिखाते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिए थे, फिर हम दो नंबर दिया, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको भी स्मूथ ले लिया, तो कभी लेता है कभी नहीं लेता है। चलिए देखते हैं, फोटोकॉपी एक टू करते हैं, वो भी दो नंबर डॉट से, देखते हैं होता है कि नहीं पेपर जैम। देखिए ट्राई चल रहा है, यहाँ पे पेपर जैम हो चुका है। जैम होने के कारण वो जो रबर है, रबर को क्लीन करना है, क्लीन करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ समथिंग निकला है, बाकी और नहीं आया। तो इसको बाहर को अगर नहीं खींच पाते हैं तो ड्रायर को यहाँ पे इसको खींचने की कोशिश मत कीजिए। अगर आसानी से नहीं खींच पाते हैं तो आप सिर्फ ड्रायर को पुश करके नीचे नमा दें। तो देखिए नाम चुका है, नमने के बाद पेपर तो अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा पेपर इसको हाथ झुका कर थोड़ा पेपर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ टूट जाएगा। देखिए पेपर यहाँ पर फोल्ड हो चुका है, पेपर को निकाल लो। तो इस ऐसे करके पेपर को निकाल लेना पड़ता है, फिर इस ड्रायर को लगा दो, फिर इसको बंद कर दो। देखते हैं ठीक लेता है कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए कभी कभी होता है, कभी कभी फंस जाता है। ये फोटोकॉपी हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ड्रायर को उतारना होगा, मतलब जिस ड्रायर का प्रॉब्लम हो रहा है, जिस ड्रायर का रबर को, मतलब जिस रबर को आपको क्लीन करना है, जिस ड्रायर से प्रॉब्लम हो रहा है, उस रबर को निकालने के लिए उस ड्रायर को खोलना पड़ेगा। तो इसको हम खोल देते हैं। खोलने का तरीका आपको मालूम ही है, अगर नहीं है फिर भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे बाहर को खींचते वक्त, फिर इसको जब एकदम आखिर तक आ जाएगा, आने के बाद इसको थोड़ा ऊपर को करना है, मतलब इसको दिखा रहे हैं ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर करिए, करने के बाद बाहर को खींचिए। तो देखिए इसे ऊपर कर दिया, करने के बाद निकाल दिया। तो इसका अंदर जो रबर रहता है वो रबर को निकालना होगा। तो चलिए रबर को निकालते हैं। तो प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए और एक जो ड्रायर है उसको भी निकाल दीजिए, उसको भी ऐसे कर दीजिए। करने के बाद दोनों ड्रायर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो निकाल दिया, यहाँ पे आप आसानी से आप काम कर पाएंगे। तो चलिए ये वाला जो रबर है, ये तीनों रबर को खोलना होगा। खोल के फिर भीगा हुआ कपड़ा से अच्छी तरह पोंछ लो बस। तो फिर उसको सूख जाने के बाद फिर लगा दो, फिर देखो काम कैसा होता है। और इधर साइड भी कवर आपको खोलना होगा, जो ड्रायर का साइड कवर है, नहीं तो वो रबर आसानी से इजी से आप खोल नहीं पाएंगे। इसको खोल के भी आपको करना है। चलिए आप आसानी से आप देख पाएंगे इधर से, खोलने का जो सिस्टम है आसानी से आप खुल भी जाएगा। तो चलिए आप खोल के दिखाते हैं। चलो इसको निकालने के लिए हम और आसान रास्ता आपको दिखा देते हैं। सबसे ये जो है ना, ये जो कवर है, इसको उतार देने से बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इस कवर को आप कैसे खोलेंगे,
तो चलिए इस कवर को, साइड कवर को कैसे खोलना है आपको हम दिखाएंगे। मतलब ड्रॉयर के साइड में जो कवर रहता है, इस कवर को कैसे खोलना है जिससे कि इस रबर को आप बाहर निकाल पाएंगे। ये जो रबर है बाहर को निकालने वक्त बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको कवर भी खोलना दिखाएंगे कैसे कवर को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवर खोलने का जो तरीका है आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इसको बाहर को खींचने से आपको जैसे खुल जाता है, खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक का नॉब दिखाई देता है। तो देखिए ये प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको दिखा दे, नहीं तो अब नहीं खुलेगा। ये दोनों को आपको ऐसे ढक्कन खोल के रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टिक का यहाँ पे एक नॉब है, मतलब प्लास्टिक का एक रिंग है यहाँ पे, इस रिंग को यहाँ पे अटकाया गया है। जिस रिंग को आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये जो ब्लैक वाला ये है इसको अंदर कोट कीजिए। करने के बाद ये जो प्लास्टिक जो रिंग है इसको बाहर को निकालिए। निकालने के बाद देखिए एक खुल गया और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से खुल गया, आप भी खोल पाएंगे। अब इस रबर को आप आसानी से खोल भी पाएंगे। तो हो सके तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस को खोलना है, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम दीजिएगा, नहीं तो ये प्लास्टिक नॉब टूट जाएगा। तो ये खुल चुका है। इसको बाहर खोल करना है, करने से बाहर निकल, देखिए ये निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है इस साइड से। यहाँ पे नॉब टू आपको दिखा देते हैं, ये जो पुश है, ये पुश करके आपको निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए नॉब है, इस नॉब को देखिए यह स्प्रिंग जैसा है, ऐसे ही यहाँ पे लगाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम इस रबर को निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक लॉक है, इस लॉक को देखिए ये पुश करके बाहर को निकाल के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो नॉब है प्लास्टिक का, ये स्प्रिंग जैसा काम करता है। इस नॉब को भी आपको निकालना है, मतलब इसको पुश करके इसको क्लीन करके लगाना है। देखिए सारे को हम इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको भी निकाल देते हैं जिससे कि आप क्लीन करके इसको लगा पाते हैं। देखिए इसको क्लीन कर दिया, आपको इसी वीडियो से आपको दिखा दें जिससे कि आप भी इसको क्लीन कर पाए। क्लीन करने के बाद इसको फिर लगा दें। यहाँ पे एक घाट सा रहता है, इस घाट में एक स्टिक यहाँ से इसे घाट कर लेता है। चलिए इसको लगा देते हैं। यहाँ पे एक देखिए नॉब है, इस नॉब में बैठाना पड़ेगा। ये देखिए इस नॉब में बैठा दिया। और एक तो यहाँ पे है, इसको भी उसी तरह खोलना है। इस रबर को भी एक ही सा सिस्टम है। देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का प्रेशर है, इस प्रेशर को प्रेस करके बाहर को खींचने से निकल आता है। तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। सिर्फ भीगा हुआ कपड़ा होने से ही होगा और कुछ नहीं, इसमें कुछ केमिकल या कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह क्लीन कर लो रबर में जो गंदगी है, जो टोना फोना रहता है, धूल रहता है, उसको क्लीन करने ही से आपका वो काम करना शुरू करेगा। क्लीन हो चुका है, इसको फिर यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ प्रेशर दो बैठ जाएगा और कुछ नहीं है। इसको भी क्लीन कर देते हैं। इस रबर से ही पेपर को खींचता है,
और एक तो है जो इस साइड से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी खुल के लगाएंगे। इसको भी सिंपल सा यह प्रेस कीजिए, लग जाएगा, लग चुका है। और एक तो इधर में है जो अंदर से हम खोलते हैं, देखिए आपको यहाँ कैमरा से दिखाई नहीं देगा। इसका भी नॉक थोड़ा अलग है, हम खोल के भी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे है, देखिए इसको निकाल दिया। इसका नॉक इसका जैसा है वहाँ पे फिक्स्ड परमानेंट रहता है वो नॉक, तो इसको क्लीन करके लगा देना है। तो चलिए उस नॉक को भी हम उसको दिखा देंगे, अभी इसको क्लीन करते हैं, लगाने से पहले दिखाएंगे। चलिए वो वहाँ पे लगाया हुआ है, प्रॉपर काम करेगा। क्लीन करने के बाद आप इससे कुछ करते हैं तो प्रॉपर काम करेगा। क्लीन कर लिया है, देखिए। चलिए अब थोड़ा कैमरा को खोल के अंदर से दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे यहाँ से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा है, दिखाई देंगे जो स्प्रिंग जैसा है यहाँ पे प्लास्टिक का। चलिए देख लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे करके अंदर करके लगाना है। लगाने से प्रेशर देने से यहाँ एक साउंड होगा, लॉक हो चुका है। इसको ऐसे करके प्रेशर देकर बाहर को खींचना है और इसको इसे लगा देना है। देखिए निकल गया। कैमरा हीजी हो रहा है, देखिए लग गया। देखिए नो, ये है तरीका। इस नॉब से भी अब ऐसे प्रेशर देकर बार बार करिए तो खुल जाएगा, और इसको लगाने वक्त ऐसे प्रेशर दीजिए यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो लगा दिया, तो ये आपको दिखा दिया आसानी से। और ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को भी अब लगा देते हैं। और ये जो है इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में आपको देखना होगा, यहाँ पे एक होल है, उनको दिखा दें, देखना होगा। देखिए यहाँ पे एक होल है, इस पॉइंट पे बैठाना है। ये जो होल है इस पॉइंट पे इसको लगाना है, और एक तो इस साइड में है, ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हेड को यहाँ पे अंदर करना है। फिर लेफ्ट साइड में आपको देखना होगा, ऐसे प्रेशर देने से धीरे धीरे पुश कीजिए, नहीं तो नॉक टूट जाने के चांसेस रहता है।
इसको धीरे से यहाँ पे ले जाइए, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। देखिए यहाँ बंद हो चुका है, खूब स्मूथली करना होगा नहीं तो टूटने का चांसेस रहता है। बैठ चुका है, आप देखते हैं इसको सब लगा देते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए ये जो नीचे का ढक्कन है पहले खोल के ही ऐसे ही रखना होगा, नीचे की ओर ही ढक्कन है, इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा, फिर इसको आपको लगाना है। तो इसको लगाने का तरीका आपको दिखा देते हैं। ये साइड में जो एक होल है, पहले सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उस होल में इसको सुला कर नहीं, इसको थोड़ा हाइट करके यहाँ पे उसमें अंदर करना है। इसको अंदर करना कर दिया, करने के बाद लेफ्ट साइड में जब करना है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखा दें, लेफ्ट साइड का पॉइंट थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो स्क्वायर जैसा पॉइंट रहता है, इसको अंदर घुसाना है। इसको ये अगर ऐसे नीचे करते हैं टूट जाएगा, इसको स्मूथली इसको अंदर करना है। करने के बाद ये जो प्लास्टिक है, ये जो इसको यहाँ से पहना देना है, पहन लिया है, हो चुका है। देखिए हो चुका है, स्मूथली आप भी कर पाएंगे। देखिए हो चुका, आप सब इसको बंद कर दीजिए और यह इसको भी बंद कर दीजिए। तो देखिए चलिए देखते हैं फोटोकॉपी करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो ड्रायर है, ड्रायर को लगा देना है। चलिए ड्रायर में देख लेते हैं, दो नंबर ड्रायर को डन हुआ है, कर दिया। तो देखिए इसको एक फोटो को स्मूथ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक सा हुआ है क्योंकि ढक्कन खुला था, खुला हुआ था। चलिए और एक ठो कर लेते हैं, कहीं पे थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए स्मूथली ले लेता है, पेपर जैम होने का कोई चांसेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे कीजिए तो आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं नए नए वीडियो देते रहूँगा। तो दोस्तों चलिए, आपको हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियो देते रहेंगे, जो आपको मांग है, जो कमेंट करेंगे आप लोग, हर कमेंट का, जितना सारा कमेंट हो हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। जो भी कमेंट हो सके तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास वो फैसिलिटी है तो जितना मेरे पास है देने वक्त इसी तरह मैंने देते रहेंगे। तो चलिए आप कॉमेंट कीजिए जो अच्छा हो, जिसका जैसा अच्छा कॉमेंट होगा उसी हिसाब से मैं वीडियो देते रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए तैयारी करते हैं।